क्या तुम्हारी कभी इतनी बुरी बेइज्जती हुई है? तो आज सुबह उठते ही हमेशा की तरह घर का परमानेंट नौकर होने के नाते मुझे भी याद दिया खुली थी कि घर का पूरा काम मुझे सौंप दिया जाता है। मुझे मेरी छोटी बहन को स्कूल से लाने के लिए बोल दिया जाता है। वैसे तो ये नौकरी मेरे पापा की होती है, पर आज पापा घर पर नहीं थे तो ये काम मुझको सौंप दिया जाता है और अंकल के साथ बिठाकर मुझे बहन के स्कूल भेज दिया जाता है। जहाँ रास्ते में पता नहीं अंकल में कौन सा भूत चढ़ जाता है कि अंकल की स्पीड 60 से नीचे नहीं जाती और मौत को सामने देखकर मेरी फटके चार हो जाती है। और इतना डर मुझे अपनी जिंदगी में किसी से नहीं लगा जितना मुझे लड़की के बगल में गाड़ी चलाते हुए लगता है। तो बहन को स्कूल से पिक करके मैं वापसी अपने घर पर आ जाता हूं और कूड़े को नीचे कर वापसी अपने रूम पर आ जाता हूँ। और यार मैंने ना ऑनलाइन एक घड़ी ऑर्डर करी थी और जो कि मेरे हाथ में नहीं आती है, जिसे देखकर मुझे इतनी ज्यादा बेइज्जती फील हो जाती है। और घड़ी को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि घड़ी मुझे बोल रही है कि साले जितने की तूने घड़ी मंगाई है ना इतना का खा के पहले कुछ मोटा हो जा। तो घड़ी को छोटा करा कर उसका चार्जर लेने के लिए निकल जाता हूं। तभी मुझे साथ में ईयरफोन भी पसंद आ जाते हैं, तो ईयरफोन लेकर मैं अपने घर पर आ जाता हूं। तभी मुझे पता चलता है यार ये ईयरफोन मेरे को 1500 के पड़े हैं और अगर मुझे ऑफर किंगडम के बारे में पता होता ना तो मुझे सिर्फ 900 रुपए के पड़ जाते हैं, क्योंकि अमेज़न या फ्लिपकार्ट जगह पर जो भी सामान सस्ते में मिल रहा होता ना ये उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो अगर तुमको भी सामान सस्ते में चाहिए तो तुम भी ले सकते हो, लिंक कमेंट में।